कई दिनों से भिलाई में एक वीडियो वायरल था इंस्टाग्राम में, मारे थे, यहाँ भी मारे हैं ऐसा हाथ रख के। दिल से आपके कितने बह रहे हैं आंसू। कृपया इसे मध्य प्रदेश सिवनी तक इस मैसेज को, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। आशीर्वाद। Yes, I am going to pass. Hello. Hand down. Hello, how are you? Hello, क्या करो? Mic number secret. लो हाथ तो मिला बोले। दो नंबर। क्या नाम है? हाँ। कैसे लग गया? रात में। हाँ। आया था। हाँ। कौन? कौन आया था? अंधेला। हाँ। मारेगा कोई भी नहीं। दे दिए ना। हाथ में नहीं सूझा ना बॉस। खाओ ना बॉस। नाम बता दो। आनंद। आनंद पूरा नाम? बघेल जी। आनंद बघेल। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? कोई भी हाथ भी नहीं लगाएगा। कोई हाथ नहीं लगाएगा। कहाँ के रहने वाले हो? देवरी। देवरी कहाँ पे है? सिवनी के। सिवनी के पास। एमपी में। कैसे आए हो? ट्रेन से आए हो? पैदल समझो या हाँ। जिसने भी लाया। किसी ने लेके आया? हाँ। यहाँ भी सूझा नहीं क्या? हाँ ना, मारे भी बहुत थे। कौन मारा? नाम नहीं ले सकता। नाम नहीं ले सकते? आप दे सकते क्या? क्यों क्यों मारे तुमको? ओहो, बट प्लीज कोई भी मारेगा दिल से मारेगा। मार दिए? नहीं मारेगा। आराम से भूख रहा हूँ ना। नहीं मारेगा कोई नहीं। हाँ 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 हाँ। डर भी नहीं है कुछ भी। फील लाइक डैन दिस फुट ऑफ द लैंड। किन्ने लाया था पूछो ना। घर कहाँ पे? देवरी के। कहाँ पे? देवरी में कहाँ पे? 70 नंबर मान लो एग्जांपल के लिए। एग्जांपल नहीं, असली में बता दो। असलियत ही है। हाँ। 70 नंबर थे। हाँ। अब बढ़ गए होंगे शायद। घर का नंबर? हाँ। दिल से आपके कितने बह रहे हैं आंसू ईमानदारी में। गिरा क्या? दिल से दरिया। क्यों? क्योंकि प्यार करता हूँ। किससे प्यार करते हैं? किससे? ये भी कैसे कट गया जी? मारे थे। यहाँ भी मारे हैं? ऐसा हाथ रख के। ऐसा हाथ रख के? कहाँ? अपने नंबर का था। अरे बाप रे, नहीं चाहिए मेरे को नंबर और गिफ्ट भी नहीं चाहिए। इतना मक्खी। और देखो कितने का। नमस्कार, अभी हम कोका रोड रुंगटा कॉलेज के सामने में हैं और कई दिनों से भिलाई में एक वीडियो वायरल था इंस्टाग्राम में जो आनंद भाई साहब का था और ये कई दिनों से भिलाई के शहरों में अलग अलग जगहों में घूम रहे हैं क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो वैसे ही अलग अलग जगह में घूमते जा रहे हैं। करीबन एक हफ्ते से हमें लगातार इनके वीडियोस जो हैं शहर के अलग अलग हिस्सों से आ रहे थे क्योंकि ये कभी रात में जहाँ पहुँच जाते थे वहीं सो जाते थे, फिर उठ के सुबह चलना चालू करते थे, जहाँ जो खाने को मिल गया वो खा लेते थे और इनकी मानसिक स्थिति शायद ठीक नहीं है और ये अपने आप को भी ढंग से पहचान नहीं पा रहे हैं और शायद इनकी मानसिक स्थिति अस्थिर होने की वजह से शायद इन्होंने कुछ किया होगा जिस वजह से इनको पता नहीं किसी ने काफ़ी ज़्यादा पीटा है, जिनकी वजह से इनका हाथ सूजा हुआ है, इनके हाथ कटे हुए हैं और पैर में हर जगह सूजन दिखाई देगा और पैर में हाथ में सब जगह इनका चोट लगा हुआ है और सर में भी इनका काफ़ी बड़ा चोट दिखाई दे रहा है जो जिस वजह से इनको दर्द भी काफ़ी ज़्यादा है। और जब हम इनके पास आए थे तब ये डरे हुए थे कि कोई इनको मारने तो नहीं आ गया क्योंकि वो इनके मन में एक डर सा बैठ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको मारा गया है। और उसके बाद हम अभी बहुत दिनों के वीडियो के बाद हम इनका वीडियो के वेरिफिकेशन करने के बाद हम यहाँ पे आए और इनका बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं और अभी इनसे काफ़ी देर हम बात कर रहे थे। बात करने से ये अपना घर सिवनी बता रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश में है और ये थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी लगते हैं, इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं और हमारा आप सबसे अनुरोध होगा कि आप इस वीडियो को मध्य प्रदेश सिवनी तक फॉरवर्ड कीजिए। कोई ना कोई आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स जो भी आपके रहते होंगे आप कृपया इसे मध्य प्रदेश सिवनी तक इस मैसेज को, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि हम आनंद जी के घर वालों का पता कर सके और उनकी घर वापसी करा सके जल्द से जल्द। तब तक ही हमारे आश्रम फील परमार्थम फाउंडेशन सेक्टर 3 भिलाई में सुरक्षित रहेंगे। तो हमारा इनके परिजनों से भी अनुरोध होगा अगर कहीं ना कहीं से आपको ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और इन्हें अपने घर लेकर जा सकते हैं और हमारा ये प्रयास होगा अभी इनका रेस्क्यू करके इनको आश्रम लेकर जाया जा सके और इनको एक बेहतर ज़िंदगी दी जा सके। इनका भी इलाज करने के बाद हम साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखा के प्रयास करेंगे कि कैसे इनकी बेहतर जिंदगी की जा सकती है।
है ना। और आप सबसे भी अनुरोध होगा कि अगर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति आपको सड़क में घूमता हुआ नजर आए या कुछ गलत हरकतें भी करते नजर आए तो थोड़ा सा संयमित रह के बर्ताव करें, क्योंकि ये अपने सेंस में नहीं है, इन्हें नहीं मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत कर रहे हैं। और हम अपनी उत्तेजना में ऐसे लोगों के ऊपर हाथ उठा देते हैं, इनको मार देते हैं। और आप सोच के देखिए, जब ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप हाथ उठाते हैं तो इनका इलाज करने वाला भी उस टाइम कोई नहीं होता, और ये खुद से अपना इलाज भी नहीं करा सकते, और ना जाने इनको कितने दिन पहले कोई मारा था, क्या किया था, और इसी अवस्था में ये घूम रहे कंटिन्यूस। हमें 3-4 दिन पहले मजदूर चौक से कॉल आया था जब वहां पे थे, उसके बाद सेक्टर 4 ये पहुंचे, उसके बाद ये जामुल पहुंच गए थे कल, और ये आज कोका पहुंच गए। इतने दर्द में इनके पैर में सूजन है, हाथ में सब जगह चोट है, और इतने दर्द में ये सिर्फ घूमते जा रहे हैं कि अपनी जिंदगी को कैसे भी कैसे गुजार सके, और उनको एक दिन के टाइम में खाना मिल जाए। और देखो यहाँ पे भी इनका कितना बड़ा चोट लगा हुआ है, इनको बहुत बुरी तरीके से जिसने भी मारा है बहुत बुरी तरीके से मारा है। हमारा ये अनुरोध आप सबसे भी रहेगा कि ऐसे संयमित बर्ताव करें आप, जिस आपको अगर ऐसा कोई नज़र भी आए। साथ ही साथ ऐसा कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर लावारिस हालत में या बुजुर्ग लावारिस हालत में आपको दिखे तो आप हमारे रेस्क्यू हेल्पलाइन नंबर 9111097788 में संपर्क कर सकते हैं और हमको सूचना दे सकते हैं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि ऐसे कोई भी लावारिस व्यक्ति सड़क में रहना ना पड़े और उनको ऐसे मार खाने की नौबत ना आए, उससे पहले हम उनको बचा लें और एक बेहतर ज़िंदगी दें। अभी हम इनको लेके आश्रम जा रहे हैं और आप देखेंगे कि कैसे इनका ज़िंदगी में धीरे धीरे बदलाव होगा। अब मेरा फिर से एक पुनः अनुरोध है कि आप इस वीडियो को, इस मैसेज को सियोनी मध्य प्रदेश तक ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू। Thank you.
क्लियर होना चाहिए। अरे इधर मत देखो, नीचे मत देखो। यहाँ भी छोटे ना, कौन क्या बोलते थे आपको याद है? सब कुछ घर बढ़ रहा हूँ, पढ़ूंगा भी और नाना भी हम पानी में क्या नहीं गर्म होगा तो ही नहाऊंगा। पूरा लाठी का निशान इनके पूरे शरीर पे, पैर पे, हर जगह दिखाई दे रहा है। अब 10 11 कनाडा इंडिया दोनों ओके 1 10 नंबर ऑफ 11 है। क्या किया था इतना मार खाया तू? आपके लिए दादा क्या बोल रहा? क्या किया था इतना मार खाया था? कौन मारा आपको? चार बार भी, दस बार भी कर सकते हैं। चल बताओ ना क्या किए थे जो मारे हैं? नहीं, वो मेरी माँ, वो मेरे डैड, वो मेरे कालों के काल महाकाल के ओम नमः शिवाय कालों के काल हो गए क्लियर। कौन हूँ मैं? एडी दास का आराम से भाई मेरे, मैं खुद एक तो इसमें डाल दूँ सीधे हाथ से। अजय भाई इसको भी डाल, मैं डाल लूँगा। आप चुनिए मंजू भाई के दादा के सर के राम जी लगा दो जे आई मम्मी सबसे पहले आशीर्वाद दूंगा। नहीं नहीं पैर छूट गए जैसे आपके पैर के छूने पड़ता ना। नहीं छूना तो छूना तो छूने कहीं से एक मेरे पापा के दादा के लिए। चलो भाई मेरे भी दादा आशीर्वाद पूरा एड्रेस बताओ मुझे। डिग्री के लेख राम के लक्ष्मी के एक से आईकॉन आधार कार्ड नंबर डिग्री का आप ही हो और आप ही समझो। इधर तो देख भाई मेरे को देखना बैठो
क्यों? 6 नंबर की 3 नंबर की वाईफाई थी। चलो भैया सो जाओ। आई लव यू।